दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये नया नया अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मशीन मेरे पास से लेके गए। ये अभी जिस गड्ढे पे घुमा रहा है वहाँ पे जो आवाज़ आ रही है इसमें, वो लोहे की आवाज़ आ रही है, ठीक, जंग पड़े लोहे की। जो रीडिंग नाचता है, इधर उधर नाच रहा है, तो समझो कि परफेक्ट जंग पड़ा लोहा ही है, ठीक है। अभी ये बंदा अभी क्या कर रहा है, उसने गड्ढा तो खोद लिया, नए नए में गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर पिन पॉइंट करता है। पिन पॉइंट करने के बाद में उस गड्ढे में जो गीली मिट्टी है, और गड्ढा जब बनता है हो सकता है उसमें मिनरल भी ज़्यादा होगा, तो पिन पॉइंट करने से पहले 10 बार सोच ले, समझ ले पहले, क्योंकि पिन पॉइंट मोड में छोटी छोटी चीज को, जैसे बिखरा हुआ लोहा भी होगा तो उसके ऊपर भी आवाज कर सकता है, तो समझ ले। गड्ढे बड़े बड़े करने, इसके लिए मैं बोलता हूँ तालाब खोदो, गड्ढे खोदो, कुएं खोदो, ये पुण्य के काम करने पड़ेंगे। अभी ये दूसरा बंदा, ये अभी इन्होंने मेरे पास कंप्लेंट किया था कि मशीन में आवाज नहीं आ रहा। अच्छा बंदा था, मशीन आवाज नहीं कर रहा, आवाज नहीं कर रहा है, तो ये मुझे चालू करके सब बता रहे। बाद में उन्होंने खुद ही बोला नहीं, ऑटोमेटिक आवाज आने लग गया, तो इन्होंने साउंड में कुछ सेटिंग में कुछ करके रखा होगा और वो मतलब मिस्टेक कर दिया होगा, लेकिन बाद में इन्होंने कॉल किया, नहीं नहीं अब आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले मशीन आने के बाद ना दौड़ धूप ना करे, पहले समझे, घर के पास मशीन चालू ना करे, घर से थोड़ा दूर जाओ, खेत वेत में जाओ और समझो। बाकी जो मैंने जो स्पेशल टिप्स दिए उसके ऊपर ध्यान रख के मशीन में काम करना चाहिए। तो ये रहा हमारा कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको मशीन लेना है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा है।